19 की गाड़ी 24 टैक्स पेड मैं देता हूँ ओनली 8,99,000 में। 899 में, 899 में मार्केट से 50,000 रुपए का डिफरेंस। क्या है ये? ढूंढना पड़ रहा है राजीव भाई, कई डीलर के पास देखने नहीं मिलती होगी। ऑल ओवर कोलकाता में 14 की गाड़ी है, टॉप एंड वेरिएंट ZXi आता है, ZXi प्लस वेरिएंट में है। दिला रहे राजीव भाई आपके व्यूअर्स के लिए सिर्फ 1,000 का डिस्काउंट नहीं, मैंने बोला है कि आपके व्यूअर्स जो लोग आके आपका नाम मेंशन करते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट का पैकेज अपने पास रहता है। बट एयरबैग्स सारे चीज के इतने कंट्रोल है सब इसमें, सारे फीचर्स लोडेड है। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस ऑल ओवर कोलकाता में 16 की टियागो 26 टैक्स पेड कोई दे के दिखाए 299 में, पेड 369 में। राजीव भाई पूरा कलकत्ता में चैलेंजिंग है, कोई कलकत्ता में चैलेंजिंग है भाई, देख के दिखाओ, देख के दिखाओ। तो की है वैगनार 20 की है या 19 की है? गाड़ी 5 महीने की है। 5 महीने की है भाई, मैं तो अलग ही सोचने लगा कि भाई know that they ride or die, I keep boys by my side. Know that they ride or die, I keep boys by my side. OG boy, day we hustle but the night we वेलकम गाइस, कैसे भाई, होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आ गए हैं कोलकाता कार बाजार में, और आज भी हम जो आपको दिखाने वाले हैं ना सॉल्ट लेक में, आपको पता ही है कि भाई काफ़ी अलग ही होता है, 2 महीने 1 महीने पुराना, कोई 1 साल पुराना, कोई 2 साल पुराना, ऐसी गाड़ी आजकल कोलकाता कार बाजार सॉल्ट लेक वाले आउटलुक में मिलने लगी है। और हर गाड़ी का डिटेल्स और डिटेलिंग हम मास्टर कहते हैं सिद्धार्थ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप बताइए। मतलब पूरा सेगमेंट ही के आपने पूरी एकदम उड़ा के रख दिया है। नहीं, वो सेगमेंट वाइज तो आपके आगे वाले वीडियो में भी दिखा दिया तो था कि अभी सिर्फ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड पे ही डील कर रहे हैं ज्यादातर। ठीक है। लेस ड्रिवन हो जाए, बजट फ्रेंडली हो जाए, और एक्चुअली अपना तो चैलेंजिंग प्राइस तो आस्किंग पे ही रहता है, ये चीज का हमेशा से मिला ही। आज मतलब क्या देने वाले, क्या तहलका मचाने वाले गाड़ी? पॉकेट फ्रेंडली में हर एक गाड़ी का आपको एक्सक्लूसिव प्राइस भी देने वाला हूँ, और मैं पहला ही आपको एक ऐसा चीज दिखा देता हूँ। ऐसा चीज दिखा देता हूँ कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फोर्ड की फ्री स्टाइल आई हुई है। क्या बात है, बहुत ही लिमिटेड डीलर्स के पास देखने को मिलता है आपको। मॉडल है क्या, पुश बटन वगैरह है? टेनियम है, डिस्प्ले आपका जो 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है वो है, टाइटेनियम वेरियंट है, 2018 की गाड़ी है। मैं देख रहा था 18 की 19 की अदर डीलर्स के पास 5 लाख की है, 4,65,000 की है, 499 की प्राइस में आपके पास है नहीं, कलकत्ता में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं 18 की आपको गाड़ी ऐसा चैलेंजिंग प्राइस में पहला वाला दे रहा हूँ कि वीडियो देख के ही स्टार्टिंग पहले स्टार्टिंग में दे दिए, तो बाकी में क्या होगा फिर? ठीक है, गाड़ी आपकी 18 की लाइफ टाइम टैक्स पेड टॉप एंड वेरियंट, लाइफटाइम 15 साल टाइम टैक्स पेड, टॉप एंड वेरिएंट 18 की गाड़ी, बहुत लेस ड्रिवन, 35,000 किलोमीटर के आसपास ड्रिवन, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। क्या बात है, मैं साइड से भी अगर फ्लाइट प्रोफाइल देखोगे ना भाई, बिल्कुल अमेजिंग लग रही है। मतलब हैचबैक नहीं, मिनी एसयूवी सेगमेंट में डाल के फ्री स्टाइल को लॉन्च किया गया था फोर्ड से। और इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं आपको दे दूंगा, वेट नहीं होता बताओ मुझे, ओनली 369,000। 369 में? 369 मतलब 18 की लाइफ टाइम टैक्स है वीडियो पे, लाइफ टाइम टैक्स पेड 369 में। राजीव भाई पूरा कलकत्ता में चैलेंजिंग है, कोई कलकत्ता में चैलेंजिंग है भाई, देख के दिखाओ, देख के दिखाओ भाई, 69 में लाइफ टाइम टैक्स 18 की गाड़ी भाई, मैंने कुछ दिन पहले देखा 14-15 की ही 3 लाख के आसपास में शायद भाई प्राइस। बिल्कुल आराम से फ्री स्टाइल तो देखने ही नहीं मिलती है भाई, फ्री स्टाइल, फ्री अलग ही स्टाइल है। अब इसके बाद एक और है व्हाइट कलर की, सेम हम कह सकते हैं बराबरी में, ये अलग कंपनी है और ये एक अलग कंपनी है। ये तो ऑल टाइम फेवरेट हर व्यूअर की रही है। ठीक है, एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है 2016 की। इसमें इतना मजा आया ना प्राइस सुन के, तो इसमें भी मजा आना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल मजा आएगा राजीव भाई, बिल्कुल मजा आएगा। मैंने 17 की गाड़ी बेची हुई है जिसमें कपल ऑफ मंथ्स टैक्स थी। ठीक है, 16 की एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट में, i20 का बहुत हाई डिमांड रहता है, आपको भी पता है। ठीक है, DRL लाइट्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, पेट्रोल में है ना ये, डीजल वेरिएंट, डीजल वेरिएंट, अरे वाह, 16 की गाड़ी है, 26 टैक्स पेड है, ऑटो फोल्डेबल मिरर, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स, एयरबैग, ABS, रेयर एसी वेंट्स, अलॉय व्हील्स, ठीक है, व्हील्स सब कुछ है, ये देखो भाई, हेडलैम्प्स, DRLs, सारे चीज का फीचर लोड, मतलब इसको बोला जाता है कि ये एक्चुअली हॉटेस्ट हैचबैक, इसीलिए अभी तक मार्केट में क्लेम की जाती है, क्योंकि अभी तक इतने सारे फीचर लोडेड में कोई हैचबैक आता नहीं है जल्दी। चलिए प्राइस में आ जाता हूँ, आते हैं एकदम सिम बना दिया जाए, इसका जैसा होगा ना फिर, बिल्कुल 16 की गाड़ी है, 26 टैक्स पेड है। ठीक है, मैं
प्राइसेस आज ऐसा मेंशन कर रहा हूँ राजीव भाई, बहुत नेक टू नेक प्राइसेस है। मैं इतना बोलूंगा जो लोग भी प्राइसेस देख रहे हैं आइए जरूर, कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली कुछ आप करिए, आप वेट बहुत करा दे रहे। 4,99,000 रुपीज, 499 अभी गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड। ये भी क्या कोई नहीं दिखा पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस रीजन में नहीं, मैं बोलूंगा कि इस क्वालिटी में, इस क्वालिटी में सर्विस हिस्ट्री के साथ फर्स्ट ओनर की गाड़ी कोई दे पाए तब पता चलेगा। इस साइड में एक बार लाइनअप देख लो, लाइन से गजब की लाइनअप यहाँ भी लगी हुई है। और कार भी भाई टियागो से लेकर, मतलब होंडा सिटी है कि नहीं आज? हाँ जी है। जो न्यू वाली ऑफर ना? हाँ जी है। चलो भाई, ये तो ना आजकल देख रहा हूँ, मतलब कोलकाता कार बाजार में काफी अट्रैक्टिव लग रही है मेरे को खुद। होंडा सिटी न्यू आ जा रही है 20 की, बिल्कुल ZX वेरिएंट न्यू शेप अपने पास अवेलेबल है, 2020 की वेरिएंट है, 15,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, सनरूफ वेरिएंट में, पेट्रोल वेरिएंट में अपने पास गाड़ी अवेलेबल है। नई गाड़ी का 15 लाख का प्राइस आता है, अपने पास ओनली 12.5 में अवेलेबल है। अरे वाह, तो ये न्यू एंड वेरिएंट में सबका आ जाता है। चलिए टाटा टियागो में आ जाता हूँ, टाटा टियागो XT वेरिएंट अपने पास अवेलेबल है। XT कौन सी होती है, बेस या टॉप मॉडल? XZ प्लस टॉप एंड वेरिएंट आती है, उसके ठीक नीचे में ये वाली वेरिएंट आपके अवेलेबल है। ये वाली वेरिएंट आपको मिल जाएगी अपने पास, 16 की गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट में, 26 टैक्स पेड है। और गाड़ी का आस्किंग प्राइस इस पे भी धमाका दे देता हूँ, दे दीजिए धमाका, मतलब दो गाड़ी तो देते आ रहे हैं। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हाई बन रहा है, मैं बताऊंगा इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस ऑल ओवर कोलकाता में 16 की टियागो 26 टैक्स पेड कोई दे के दिखाए 299 में टियागो। अब आ गई है हमारा सियाज, सियाज में आ जाता हूँ, थोड़ा प्रीमियम लेवल का सेडान में, सुजुकी में काउंट होती है, ठीक है। ये गाड़ी आपकी VDI ऑप्शनल वेरिएंट, 2017 की गाड़ी, 27 तक टैक्स पेड डीजल वेरिएंट, 27 तक टैक्स पेड, 27 तक टैक्स पेड डीजल वेरिएंट में अपने पास अवेलेबल है। कलर क्या है, ओरिजिनल है ना पूरी? बिल्कुल बिल्कुल राजीव भाई, उसमें कुछ देखना ही नहीं होगा, पॉलिशिंग करके अपने पास से डिलीवरी कस्टमर को दी जाती है, 1 ईयर का इंजन के बॉक्स वारंटी। अंदर तो भाई और भी अमेजिंग, पूरी खूबसूरती प्रिस्टाइन मिंट कंडीशन में मेंटेन, मतलब पूरी आप मेंटेन करके सजा के रखते हो क्या? बिल्कुल, पॉलिश मार के। गाड़ी है 17 की गाड़ी है, 27 तक टैक्स पेड है डीजल वेरियंट में, गाड़ी अंडर 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सर्टिफिकेशन आते हैं। प्राइस पे आता हूँ, ओनली 5,29,000 रुपीज, 529 क्या हुआ, 529 में। अब ये क्या RXZ रेनॉल्ट की किरण, क्या आपको है? भी ढूंढना पड़ रहा राजीव भाई, कई डीलर के पास देखने नहीं मिलती होगी। ऑल ओवर कोलकाता में अगर डीलर्स के पास आप चेक कीजिएगा, काइगर किसी के पास जल्दी अवेलेबल मिले ही नहीं आपको। मिल सकती है लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मिलेगी। क्या काइगर, मतलब इसमें थोड़ा कुछ खास चीज बताओ, क्योंकि वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, टॉप एंड वेरिएंट में रेनॉल्ट की ये काउंटिंग आती है। डुअल टोन आपको इसमें ये मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ठीक है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, RXZ टॉप एंड वेरिएंट आता है, डुअल टोन में गाड़ी आती है, टॉप एंड वेरिएंट में ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, गाड़ी ओनली 5,000 किलोमीटर चली हुई है, 5,000 चली हुई है, 7 महीने की गाड़ी अपने पास अवेलेबल है। नई गाड़ी का प्राइस 11,45,000 रुपीज अपने पास अवेलेबल है, ओनली 8,69,000 और कम कर देंगे क्या? चलिए 869 नहीं, आपके व्यूअर्स के लिए और थोड़ा बनाते हैं रोमांचक, इसको किया जाए 848 में। अब ये आ गई भाई हमारी स्पेशल कार, न्यू शेप में वरना बहुत हाई डिमांड में रहती है, 3 पीस आई थी निकल गई, चौथी आई है देख लीजिए, ठीक है। गाड़ी बहुत लेस ड्रिवन, अंडर लाइक 12,000 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी, 20 की है ना ये, 20 की एंडिंग की गाड़ी है, ठीक है। SX वेरिएंट है, सनरूफ आ जाता है, पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, स्टेरिंग माउंट कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, एयरबैग्स, सारे चीज के इतने कंट्रोल है सब इसमें, सारे फीचर्स लोडेड है, ठीक है। Hyundai का बहुत बड़ा आगे होगा इसके लिए, आपको तो पता है कितने दिन का वेटिंग चल रहा है, अपने पास रेडी टू डिलीवर है। नई गाड़ी का प्राइस 15 लाख के आसपास जा रहा है, 14 लाख कुछ है, ठीक है। अपने पास गाड़ी अवेलेबल है ओनली एंड ओनली 10,49,000 1049 में। हाँ जी, और आपने तो कहा कि 1249 ऐसे कुछ कहा उस समय, वो कौन सी गाड़ी थी? वो होंडा सिटी ZX 2020 की जो न्यू एंड वेरिएंट सिल्वर कलर में है उसका बताया मैंने। चलो भाई, इसकी बताया आपने 10 1049 48, इसको भी कर दो। चलिए 48 आपने बोला, जरूर किया। अब ये सर्टिफाइड कार कौन सी है?
सर्टिफिकेशन अपने हर एक गाड़ी पे, हर एक पे सर्टिफिकेशन की हुई है। वन ईयर का सर्टिफिकेशन के साथ आपको इंजन गियर बॉक्स का वारंटी मिल जाता है, एक साल के अंदर में 3 फ्री सर्विस मिल जाती है ऑल ओवर बंगाल का, फाइनेंस का फैसिलिटी भी अपने पास हो जाता है, हैसल फ्री ट्रांसफर भी हो जाता है अंडर वन रूफ, कस्टमर को बैठ के यहाँ से कहीं नहीं जाना है, सारे फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है। अदर स्टेट का ट्रांसफर के लिए एनओसी भी मिल जाए। इनलाइन है क्या? इसको स्पोर्ट्स वेरिएंट में IMT बोलते हैं, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है, 9000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, न्यू शेप I20। अच्छा। गाड़ी अभी 11 मंथ्स कुछ दिन की गाड़ी है, 11 मंथ्स, हाँ जी, नई गाड़ी, साल भी नहीं लगी है इसकी, आसपास का प्राइस जाता है, अपने पास अवेलेबल है ओनली 8,49,000 में, 849 में मात्र 9,000 चली हुई, स्पोर्ट्स वेरिएंट में I20 IMT क्लच के साथ। अब ये देखिए वेन्यू, चलिए वेन्यू में आता हूँ, वेन्यू DCT ऑटोमेटिक सनरूफ GDI इंजन के साथ, मतलब ऑटोमेटिक के साथ साथ सनरूफ भी है, 1 लीटर टर्बो में, मतलब ये हो गया इसका टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक में अपने पास 1 लीटर टर्बो एडिशन में है, SX ऑप्शनल ऑब्वियसली है, सनरूफ वेरिएंट भी है, ऑटोमेटिक में अपने पास पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल, नई गाड़ी का पैनोरामिक रहती तो और शायद अच्छी लगती ना, यह है इसमें पैनोरामिक आई नहीं है राजीव भाई, दैट इज अ कंप्लेंट फ्रॉम Hyundai के साइड से, अपने तो नहीं दे सकते लेकिन आपको भी पता है कि Hyundai की जब क्रेटा मार्केट में है तो उसके कंपैरिजन में वो अपने ही कंपटीटर नहीं बना सकते, लेकिन वेन्यू नो डाउट मतलब क्रेटा के मूवमेंट से इसको यूज आप सिटी में ज्यादा इजीली कर पाते हैं, इसलिए ज्यादा डिमांड में वेन्यू अपने पास हमेशा रहती है। ईयर कब की होने वाली है? 2020 की गाड़ी है, ठीक है, ओनली 7000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ओनली 7000 सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है, पेट्रोल में 1 लीटर टर्बो एडिशन में, नई गाड़ी का प्राइस आपका 13,83,000 के आसपास जाता है, अपने पास अवेलेबल है ओनली 10,99,000 में, 10,99,000 में, चलो भाई शोरूम में कितनी प्राइस होगी? 14,00,000 प्राइस आपको बता दिया राजीव भाई, 13,83,000 आता है, 3,350,000 का बजट है आराम से। चलिए I20 में आ जाता हूँ, स्पोर्ट्स एडिशन में मैंने आगे वाली गाड़ी दिखाई थी, ये भी स्पोर्ट्स एडिशन में गाड़ी अपने पास अवेलेबल है, दिस इज मैनुअल ट्रांसमिशन, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है, उसमें आपको L9 वेरिएंट के तरह का 1 लीटर टर्बो वेरिएंट का इंजन आ जाता है, ये नॉर्मल वाला इंजन के साथ I20 स्पोर्ट्स आता है वो वाली वेरिएंट है, ये गाड़ी का अपने पास, इस गाड़ी का 7 मंथ्स एज नहीं हुआ है अभी, 6 मंथ्स कुछ दिन है, गाड़ी आपकी 5000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ओनली 5000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, और अपने पास इसका आस्किंग प्राइस मिल जाएगा ओनली 7,99,000, जिसमें मैं आपको नए कंपनी के साइट से कम नई भी तो 1.5 लाख रुपए की बचत दे रहा हूँ, 1.5 लाख की, आप खुद 799 कर लीजिए, मैंने नई गाड़ी का इसीलिए नहीं बताया, राइट। अब इसके बाद तो अब अगली कार की तरफ आ गए सिद्धार्थ जी, जो कि भाई मोस्ट पॉपुलर SUV में हम कह सकते हैं भाई, ये है SUV नहीं, 7-सीटर में कह सकते हैं, 7-सीटर में राजीव भाई अर्टिगा का रेगुलर डिमांड रहा है, कस्टमर से अभी आई है, सेरेमिक जितना काम है, स्क्रैचेस का वर्क देख रहे हैं, ये सारी चीज़ का कंप्लीट करके अपने पास से गाड़ी मिलती है, गाड़ी आपकी एंडिंग ऑफ 14 की गाड़ी है, टॉप एंड वेरिएंट ZXi आता है, ZXi प्लस वेरिएंट में है, ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट में गाड़ी अपने पास अवेलेबल है, आपको एंडिंग का 2014 का या फिर 15 का, ये डीजल में है ना, नहीं पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट में आपको 8-सीटर का एक्सपीरियंस मिल जाता है, मारुति सुजुकी में अर्टिगा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, आपने देखा हुआ है, राइट, ये गाड़ी अपने पास अवेलेबल है, तो इसकी प्राइस बताइए फिर, इस गाड़ी का प्राइस ओनली अपने पास आ जाएगा 15 की गाड़ी 25 तक टैक्स पेड है, ओनली 5,49,000 में अर्टिगा अपने पास अवेलेबल है, आके जरूर आप देख के जाइए, मतलब 549 का मतलब 48 भाई, 1000 तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं आपको, दिला रहे हैं राजीव भाई, आपके व्यूअर्स के लिए सिर्फ 1000 का डिस्काउंट नहीं, मैंने बोला है कि आपके व्यूअर्स जो लोग आके आपका नाम मेंशन करते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट का पैकेज अपने पास रहता है, बट ऑन टेबल आके नेगोशिएट कीजिए क्लियरली बता के। स्विफ्ट अपने पास आई हुई है ओनली, स्विफ्ट का हमेशा रेगुलरली डिमांड रहा है आप जानते हैं, ओनली 6000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ठीक है, ऑटोमेटिक वेरियंट है स्विफ्ट अपने पास, VXi प्लस वेरिएंट में, ऑटोमेटिक वेरिएंट में गाड़ी अवेलेबल है, प्रिस्टाइन मिंट कंडीशन में, पेट्रोल वेरिएंट, ठीक है, गाड़ी आपको अपने पास 6000 किलोमीटर डिफरेंस, मतलब मैंने बता दिया कि अपना जब स्टार्टिंग ही किया वीडियो में मैंने बता दिया कि नए वेरिएंट्स के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग आके एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, बहुत ज्यादा डिस्काउंट का पैकेज आपको मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं,
मैं बताऊंगा कि अगर आप लॉजिकली सोचिएगा तो जितना रुपए आप सेविंग कर रहे हैं उतने रुपए में आप इस गाड़ी को लेंगे तो आपका वर्थ वाइल हो जाएगा। ये चीज़ है, अपने पास सर्टिफिकेशन भी रहती है और ये सारी गाड़ियाँ जो दिखा रहा हूँ इतने कम ड्रिवन है, इतने कम एज में है, ये सब अभी भी कंपनी के वारंटी में भी है, अभी भी कंपनी के वारंटी में, वारंटी में भी है। गाड़ी 6000 किलोमीटर चली हुई ओनली, अपने पास ऑटोमेटिक वेरिएंट में प्राइस मिल जाएगी आपको 5,99,000 में। 599 में गाड़ी अपनी बना लीजिए, स्विफ्ट ऑटोमेटिक 6000 चली हुई। अब इसके बाद ये पुंटो है क्या? ये पुंटो नहीं है। तो अब आगे अगली कार की तरफ, जो कि एक और यहाँ पे अर्टिका है, जो कि भाई अलग ही लेगा लग रही है, ब्रांड न्यू खड़ी है यहाँ पे, ब्रांड न्यू कंडीशन में राजीव भाई आपको दिख रही है, ठीक है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के वजह से अगर कस्टमर पहचानते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ बताना नहीं पड़ता है, मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग करने की किसी को ज़रूरत नहीं है इंडिया में। 2019 की अवेलेबल है अपने पास, 19 की XI प्लस टॉप एंड वेरिएंट SHVS हाइब्रिड हाइब्रिड के साथ। ऑटोमेटिक नहीं है ना? ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल वेरिएंट में आती है, डीजल है। गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज निकालती है, पेट्रोल वेरिएंट में है, पेट्रोल वेरिएंट में 19 की गाड़ी है। 24 तक आपको टैक्स मिल जाता है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है और इस पर आपको एक्सटेंडेड वारंटी फ्रॉम कंपनी साइड 4 साल की हुई है, मतलब 24 तक आपको वारंटी भी मिलेगी गाड़ी पे। मारुति सुजुकी से एक्सटेंडेड वारंटी की हुई है गाड़ी पे, प्रिस्टाइन मिंट कंडीशन में है। इंटीरियर्स देख के आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहती है। मैं बोलूँगा वीडियो देखिए, कॉल कीजिए, बुक कीजिए, क्योंकि मेरे को अगले दिन आप फ़ोन कीजिएगा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इतने जल्दी रिस्पॉन्स रहता है अर्टिगा का अपने पास। प्राइस सुजुकी की है, 19 की गाड़ी, ऑल ओवर कोलकाता में दूसरे डीलर्स कुछ भी मांग सकते हैं। मैंने बताया कि आपका इस बार आस्किंग में ही कुछ धमाका देना है। धमाका प्राइस इस गाड़ी का 9 लाख 9 लाख 40, ये सारे प्राइसेस आपको मिल रहे हैं मार्केट में। 19 की गाड़ी 24 टैक्स पेड मैं देता हूँ ओनली 8,99,000 में। 899 में, 899 में मार्केट से 50,000 रुपए का डिफरेंस। आप कंपेयर करके उसके बाद आइए। 899 में 19 की अर्टिगा किलोमीटर वेरिएंट ZXI प्लस वेरिएंट किलोमीटर, गाड़ी 40,000 के अराउंड चली हुई है। 40,000 हाँ जी, राइट। अब आगे चलते हैं, एक महिंद्रा की, ये कौन सी है? XUV 300 है, W8 इसमें टॉप एंड वेरिएंट आती है, ये W6 ऑप्शनल वेरिएंट है डीजल में, सनरूफ का इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको। गाड़ी आपकी 21 की गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपकी ओनली 15,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। नई गाड़ी का प्राइस 12,83,000 के आसपास जाता है। इसके प्राइस पे आ जाता हूँ राजीव भाई, ये गाड़ी आपको बहुत रेयर देखने मिलेगी, 2,83,000 रुपए का कम से कम फ्लैट डिस्काउंट देता हूँ। गाड़ी आपको मेरे पास मिल जाएगी ओनली 9,99,000 में। 999 में नए इस वेरिएंट का, ऑप्शनल वेरिएंट में, डीजल वेरिएंट का अभी 12,83,000 के आसपास का प्राइस चल रहा है। W6 ऑप्शनल विद सनरूफ। तो अब आ गए अगली कार की तरफ, जो की है वैगनआर। 20 की है या 19 की है? गाड़ी 5 महीने की है। 5 महीने की है भाई, मैं तो अलग ही सोचने लगा कि भाई 19-20 की है। 5 महीने की, 5 महीने की है, 2600 किलोमीटर चली है। सिर्फ 2600 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर चली है, ठीक है, ठीक है। अभी VXI मॉडल का डिमांड इसलिए जा रहा है क्योंकि मारुति सुजुकी ने ये ऐसा बना दिया है कि स्विफ्ट और ये इसका माइलेज दोनों कम से कम पेट्रोल में 20 का सर्विस निकाल रही है, पेट्रोल में 20 का सर्विस, ठीक है। 683 नई गाड़ी का प्राइस आता है, 5 महीने की गाड़ी है, 2600 किलोमीटर ड्रिवन है, एक्सेसरीज लोडेड मिलते हैं गाड़ी में, सीट कवर्स एक्स्ट्रा ये वो सब कुछ कस्टमर ने करवा के रखा है। 683 नया का प्राइस, जो लोग नए वेरियंट के लिए जाना चाहते हैं ज़रूर आके एक बार देख के जाइए। अपने पास अवेलेबल है ओनली एंड ओनली 5,19,000 में 2600 किलोमीटर चली हुई वैगनआर VXI, 1,00,000 की डिस्काउंट मिल रही है बिल्कुल। तो अब अगली कार जैज, होंडा जैज 2016 की वेरिएंट है, ऑलरेडी आपके व्यूअर ने बुक कर ली है। अच्छा, फिर भी मैंने दिखा दिया। ओके, ये WR होंडा की BRV अपने पास अवेलेबल है, 2016 की वेरिएंट है, 26 टैक्स पेड है, SUV वेरिएंट है, सेकंड टॉप एंड वेरिएंट, मतलब रूफ टॉप AC मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये सारे फीचर्स आपको लोडेड मिल जाते हैं गाड़ी में। प्रिस्टाइन मिंट कंडीशन में IVTEC पेट्रोल वाली इंजन जो होंडा सिटी में आती है वही वाली, बहुत रिलायबल इंजन मिल जाती है आपको। 16 की गाड़ी 26 टैक्स पेड ओनली एंड ओनली 5,99,000। चलिए और रोमांचक बना दिया जाए, 5,89,000 और रोमांचक।
और आपके व्यूअर का स्पेशल डिस्काउंट ऑन टेबल का अलग रहेगा ही, आपका नाम जो लोग आके मेंशन करेगा वही हो जाएगा उन लोग का स्पेशल डिस्काउंट कोड। असली सिकंदर। हाँ जी, चलिए एस क्रॉस में आता हूँ। 2019 की वेरिएंट है, जीटा मॉडल है, मतलब अल्फा टॉप एंड वेरिएंट आती है, ये सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एवरीथिंग लोडेड, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स, आपको रेयर एसी वैंस, ये सारे चीज़ का फैसिलिटी मिल जाता है। स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, कंट्रोल मिल जाता है, सारे चीज़ मिल जाते हैं। डीजल वेरिएंट में मारुति सुजुकी का माइलेज किसी को बताना नहीं होगा। ऑन हाईवेज मिनिमम 20 प्लस, मतलब 22-23 तक क्लेम्ड है माइलेज है। इन द सिटी 18 कम से कम निकालती है। गाड़ी 19 की वेरिएंट है, अपने पास स्पेशल ऑफर प्राइस ओनली 6,99,000 न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट एस क्रॉस 699 में। विटारा ब्रेजा में आ जाता हूँ। 17 की गाड़ी वीडीआई ऑप्शनल, 27 टैक्स पेड, ठीक है, गाड़ी 39,000 किलोमीटर ड्रिवन, सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, इस पर भी 1 ईयर का इंजन गियर बॉक्स का वारंटी मिलेगा, 1 ईयर में 3 फ्री सर्विस मिलेगा। ये गाड़ी ऑल ओवर कोलकाता में आप 699 के नीचे 17 की गाड़ी दूसरे डीलर के पास नहीं देखने मिलेगा। अपने पास इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस ओनली 6,69,000 रुपीज। 669। चलिए आ जाता हूँ i20 में। 2015 की एस्टा वेरिएंट है, ठीक है, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाता है, सारे चीज इसमें मिल जाते हैं आपको। रेयर आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। डीजल वेरिएंट में गाड़ी है 15 की, नवंबर 23 की गाड़ी है, मतलब 15 कंप्लीट मिल जाता है, 25 का कंप्लीट एंडिंग में टैक्स है। गाड़ी डीजल वेरिएंट में मिनिमम इन सिटी कम से कम 18 के ऊपर का माइलेज निकालती है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। गाड़ी का आस्किंग प्राइस ओनली एंड ओनली 4,69,000 रुपीज़। 469। इको स्पोर्ट ऑलरेडी बुक हो गई है राजीव भाई, ठीक है, यही परसों दिन का उनका फाइनेंस में किया हुआ था, डिलीवरी के लिए रेडी करवा दिया गया है, आपके व्यूअर ने लिया है, आगे वाले वीडियो से बुकिंग किया था। चलिए निशान के टेरानो में आ जाता हूँ, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बजट में देने वाला हूँ, पॉकेट फ्रेंडली फिर से चैलेंजिंग बताया, चैलेंजिंग प्राइस में भी देने वाला हूँ। 16 की XB प्रीमियम वेरियंट है, 110 PS आती है, अलॉय व्हील्स देख के समझ में आ रहा है, टॉप एंड वेरियंट है 110 PS के साथ। निशान का रिफाइनमेंट आपका रेनॉल्ट से बेटर आता है, डस्टर से बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहती है। आके आप लोग टेस्ट ड्राइव करके पर्सनली चेक कीजिए, उसके बाद लीजिए। 16 की गाड़ी 26 टैक्स पेड, निशान बंद हो गया है, इस चीज़ का क्वेश्चन गलती से भी कस्टमर के साइड से मेरे पास आता है, भैया निशान की किक्स अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है, निशान ने अपना मार्केटिंग इंडिया में वापस स्टार्ट कर दिया है, मैग्नाइट भी उन्होंने लॉन्च किया है, कंप्लीट सर्विस भी अवेलेबल है, स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। प्राइस अवेलेबल क्या है आपके पास? 26 टैक्स पेड, प्राइस क्या है? 4,49,000 मैंने आस्किंग रखा था, आपके व्यूअर्स के लिए चैलेंजिंग बोला हूँ, ओनली 4,29,000 आस्किंग प्राइस। ये होंडा सिटी, होंडा सिटी नॉर्मल होंडा सिटी नहीं है, होंडा सिटी है, अपने पास 2015 की एंडिंग की गाड़ी है, सनरूफ वेरिएंट है, ऑटोमेटिक सीवीटी गियरबॉक्स के साथ, ठीक है, 15 की एंडिंग की गाड़ी, 25 के एंडिंग तक टैक्स पेड, पेट्रोल वेरिएंट में अपने पास अवेलेबल, ऑटोमेटिक वेरिएंट में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड रहता है अपने पास। जैसे आप लोग वीडियो देखें इंस्टेंट बुकिंग कर दें, नहीं तो गाड़ी नहीं रहेगी, इतना मैंने बता दिया आपको। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं आपको दे दूंगा ओनली 599,000 में, ऑटोमेटिक होंडा सिटी विद सनरूफ VX वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट में। वीडियो को समाप्त करते हैं सिद्धार्थ भैया और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर आता हूँ नए स्टॉक लेके, आपको रीजनेबल मार्जिन का, इधर मैं गाड़ी दिखा दिया, उधर मैं न्यू एंड स्टॉक दिखा दिया, 2600 किलोमीटर चली कुछ महीनों की गाड़ी दिखा दिया, हर लोगों के लिए हर पैटर्न का गाड़ी अपने पास अवेलेबल है। बंगाल का आपको कंप्लीट फाइनेंस मिल जाता है, सर्विस हिस्ट्री मिल जाता है हर गाड़ी पे, आपको 1 ईयर का इंजन गियर बॉक्स वारंटी, 1 ईयर में 3 फ्री सर्विसेज मिल जाते हैं इन रिटन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर आता हूँ नया स्टॉक लेके, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।